हाँ जी बेटा, इसको बेटा ये भी बोलते हैं रिवीजन इन फेवर ऑफ असेसी। हाँ जी, रिवीजन इन फेवर ऑफ असेसी। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना बच्चों। हाँ जी बेटा, फिर से बेटा हम वही लेते हैं, फिर से बच्चों वहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ जी बेटा, ये बेटा असेसिंग ऑफिसर है। असेसिंग ऑफिसर का बेटा बॉस कौन है? असेसिंग ऑफिसर का बॉस है कमिश्नर। कमिश्नर कौन सा? एडमिन। असेसिंग ऑफिसर कौन कौन हो सकता है वो आपको पता है, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और बेटा आईटीओ। ठीक है। हाँ जी बेटा, फिर से वही असेसिंग ऑफिसर ने बेटा कोई ऑर्डर पास कर दिया। किसको पास कर दिया? असेसी को। असेसी कौन है? मान लेते हैं अमित है। असेसी बेटा कौन है? असेसी चेंज कर देते हैं इस बार, अमित। ठीक है। हाँ जी बेटा, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। यहाँ पे बेटा ऑर्डर पास किया है असेसिंग ऑफिसर ने, किसको ऑर्डर पास किया है? अमित को। अमित को जो ऑर्डर पास किया गया है बेटा, हाँ जी बेटा, अमित को जो ऑर्डर पास किया गया है, असेसी को जो ऑर्डर पास किया गया है, उसमें असेसी को बेटा कुछ ग्रीवेंसीज हैं। ग्रीवेंसीज का मतलब बेटा कुछ उसकी कंप्लेंट्स हैं। अमित को ये लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने मुझे जो ऑर्डर पास किया है वो गलत है। हाँ जी बेटा, अमित को क्या लग रहा है? अमित को ये लग रहा है कि असेसिंग ऑफिसर ने जो उसको ऑर्डर पास किया है वो गलत है। तो अमित की कुछ कंप्लेंट्स हैं उस ऑर्डर को लेके, और अमित उसका सॉल्यूशन चाहता है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ। हाँ जी बेटा, ध्यान से बेटा सुनना मेरी बात। अगर किसी करदाता को असेसिंग ऑफिसर के आदेश से कोई कंप्लेंट है या कोई ग्रीवेंसीज है, तो वो कहाँ, उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या कर सकता है अमित, क्या कर सकता है यहाँ पे? हाँ जी बेटा बताओ, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अमित आप बताओ, अगर आपको कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से कोई शिकायत है तो आप क्या करोगे बेटा? मंजू कह रही है अपील, अपील फाइल कर सकता है। अमित कह रहा है अपील डाल सकता हूँ सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी बेटा सुनो जी, अमित के पास बेटा यहाँ पे दो ऑप्शन है। अमित के पास दो ऑप्शन है, या तो अपील डाल दे अंडर सेक्शन 246A बेटा, उसका है सीआईटी अपील्स का सेक्शन है। तो अमित के पास पहला ऑप्शन ये है, अपील डाल सकता है। हाँ जी बेटा, दूसरा ऑप्शन है वो रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है, रिवीजन अंडर सेक्शन 264। अमित के पास बेटा दो ऑप्शन है यहाँ पर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये बेटा दो राइट है जो अमित, ये दो राइट यूज कर सकता है। या तो वो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ अपील डाल सकता है, किसके यहाँ? कमिश्नर के यहाँ। यहाँ पे अमित बेटा कमिश्नर के यहाँ डाल सकता है या नहीं, या सीधा आईटीएटी में जाएगा, बताओ। अमित बेटा कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकता है, बताओ। अमित बेटा कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकता है, नेहा कहती है आईटीएटी में जाएगा। नहीं बेटा, यहाँ पे पहले ये देखो, अमित जो कंप्लेंट कर रहा है, अमित कंप्लेंट किसके अगेंस्ट कर रहा है? कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहा है या असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट? अमित कंप्लेंट किसके ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहा है? असेसिंग ऑफिसर। और असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट बेटा वो सीआईटी में जा सकता है। हाँ, अगर कमिश्नर का कोई ऑर्डर होता ना, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, अगर कमिश्नर का कोई ऑर्डर होता, कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट वो सीआईटी अपील में नहीं जा सकता, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास नहीं, क्योंकि वो सेम लेवल के ऑफिसर होंगे, सेम रैंक के ऑफिसर होंगे।
बट यहाँ पे अमित किसके ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है, असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट, तो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट बेटा वो सीआईटी ए में जा सकता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये दो राइट है बेटा, अमित के पास दो राइट है। अमित अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, अमित को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अमित के पास दो ऑप्शन है, या तो वो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में चला जाए, कमिश्नर के पास चला जाए, या फिर उसको कमिश्नर एडमिन के पास चला जाए रिवीजन के लिए। पहली बात, ये जो दोनों राइट है बेटा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दोनों राइट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ऑन द सेम टाइम वो दोनों राइट इस्तेमाल नहीं कर सकता बेटा, ऑन द सेम टाइम बेटा ये दोनों राइट इस्तेमाल नहीं कर सकता, दोनों में से कोई एक यूज करना होगा। हाँ जी बेटा, दोनों में से उसको कोई एक राइट यूज करना होगा। दोनों राइट बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों के दोनों इस्तेमाल नहीं हो सकते, दोनों में से एक राइट इस्तेमाल करना होगा, या तो अपील डाल लो या रिविजन। यानी कि वो दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकता अमित, भाई मैं तो अपील भी डाल लूंगा और रिविजन के लिए भी अप्लाई करूं, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। आपको मार्केट से एलईडी लेने जानी है, आपके पास दो ऑप्शन है, सैमसंग की लेनी है, एलजी की लेनी है। अगर आप एलजी की एलईडी लेते हो, मान लो एक ही एलईडी खरीदनी है, पापा ने कहा है एक एलईडी लेके आनी है, आपके माइंड में दो एलईडी घूम रही है, एक सैमसंग की और एक एलजी की, आपने सैमसंग की पसंद कर ली तो एलजी की जो एलईडी है बेटा वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, या एलजी की खरीद ली तो सैमसंग की ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। मीन्स आपको दोनों में से एक चूज करनी है। वैसे ही यहाँ पर बेटा, यहाँ तो आपको अपील चूज करना है या रिविजन। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब मेरे को एक बात बताओ, अमित मान लेते हैं, हाँ जी बेटा, अपील डालने की जो समय सीमा होती है कमिश्नर के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपील डालने की समय सीमा क्या होती है ये बताओ, आपको पता है बेटा बता दो, कमिश्नर के यहाँ अपील डालने की समय सीमा क्या होती है? वेरी गुड, मंजू का आंसर आ गया 30 डेज, वेरी गुड बेटा। निशु कह रही है 60 डेज, नहीं बेटा 60 डेज नहीं होती है, वो तो अपील ट्रिब्यूनल में होती है। चलो अब सुनो बेटा, अमित ने अपील डालनी है कमिश्नर, और मान लो बेटा वो 30 दिन का समय क्या हो गया, हाँ जी बेटा मान लेते हैं वो 30 दिन का समय खत्म हो गया, लैप्स हो गया, 30 दिन का बेटा समय जा चुका है, या दूसरा रीजन ये हो सकता है, तो उस केस में बेटा अगर 30 दिन का समय खत्म हो जाए तो अमित फिर क्या करेगा, अमित किसके लिए अप्लाई करेगा बताओ, रिवीजन के लिए अप्लाई करेगा? नहीं बेटा, आईटीएटी नहीं, आईटीएटी में तो तब जाते हैं जब पहले कमिश्नर के द्वारा पास किए गए ऑर्डर से भी वो संतुष्ट ना हो। अभी मैं बात कर रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने मंजू ये कहा कि अमित के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपील में जाएगा या रिवीजन के लिए अप्लाई करेगा। अपील में जाएगा, सबसे पहले अपील में कहाँ जाएगा, सीआईटी, सीआईटी में समय सीमा कितने दिन की है, 30 दिन, और वो 30 दिन की अवधि बेटा खत्म होगी, जिन 30 दिनों के अंदर सीआईटी के पास जाना था वो समय सीमा खत्म हो चुकी है, और अमित के पास कोई देरी का प्रॉपर रीजन भी नहीं है। वैसे हमने पढ़ा हुआ है कि देरी के बाद भी उसका अपील को स्वीकार कर लिया जाता है, बट मान लो अमित के पास ऐसा कोई रीजन भी नहीं है, उसने जानबूझ के देरी की थी, तो वो 30 दिन का समय खत्म हो गया। हाँ जी बेटा, दूसरी बात, 30 दिन का समय बेटा खत्म होने के साथ साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा, अमित कोर्ट कचहरी में के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहता, अमित चाहता है कि नहीं, अमित को सन्नी देओल का डायलॉग याद आ गया, तारीख पे तारीख, भाई मैं अपील डालूंगा तो बार बार मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा, मेरा बिजनेस जिस मैं दुकान पे बैठना पड़ता है, मेरे को बार बार वहां जाना पड़ेगा, कमिश्नर मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो दो रीजन है बेटा, या तो वो 30 दिन खत्म हो चुके हैं, या खत्म नहीं हुए, मान लो अभी बेटा कुछ दिन पड़े हैं, अपील डालने के लिए बेटा कुछ समय पड़ा है। रेनू क्या क्वेश्चन मार्क बेटा क्या लगाया, रेनू, हाँ जी रेनू क्या कहना चाह रहे हो, रेनू रोल नंबर 31 बेटा ये क्या टाइप कर दिया, हाँ जी बेटा सुनो जी सुनो बेटा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं,
30 दिन में अपील डालनी थी बेटा, वो समय खत्म हो गया, वो समय खत्म हो गया तो अमित के पास ऑप्शन क्या बेटा, रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। बट मान लेते हैं बेटा, इधर सुनो जी, मान लेते हैं अभी 30 दिन का समय खत्म नहीं हुआ, 30 दिन का अगर समय खत्म नहीं हुआ, अभी पड़े हैं कुछ दिन पड़े हैं, ठीक है, परंतु अमित कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो उस केस में भी बेटा रिवीजन के लिए जा सकता है, वो कमिश्नर के पास रिवीजन के लिए जा सकता है। रिवीजन के लिए बेटा वो किसके पास जाएगा, कमिश्नर के पास। अब बेटा ध्यान से सुनना, मान लेते हैं अमित को ऑर्डर रिसीव हुआ 5 जुलाई को, अमित को 5 जुलाई को ऑर्डर रिसीव हुआ था, 30 दिन बेटा कहां तक बनेंगे, 5 जुलाई में अगर मैं 30 दिन जोड़ूं तो अप्रोक्सीमेट बेटा ये लगा लो 5 अगस्त कह लो चलो आप, ठीक है 4 अगस्त कर लो चलो, 4 अगस्त, हाँ जी 5 जुलाई में 30 दिन जोड़ दिए, 4 अगस्त, 4 अगस्त तक वो कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकता है। अपील डालने के लास्ट डे ये था, समय सीमा बेटा ये है, या तो बेटा वो समय खत्म हो चुका हो 30 दिन का, मान लेते हैं वो 30 दिन का समय खत्म नहीं हुआ, अभी बेटा 5 दिन पेंडिंग पड़े, अभी कुछ समय पेंडिंग पड़ा है, टाइम बेटा खत्म नहीं हुआ, मान लेते हैं 5 दिन पेंडिंग पड़े हैं, तो मान लेते हैं बेटा 1 तारीख को, 1 तारीख सपोज करो, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को वो कमिश्नर के पास चला गया, अमित गया कमिश्नर के पास, कौन से कमिश्नर के पास, एडमिन के पास, भाई सर मेरे मैं अपने ऑर्डर को रिवाइज करना चाहता हूँ, असेसिंग ऑफिसर ने मुझे गलत ऑर्डर सुना दिया, कृपया आप देखो, आप इसके सीनियर हो, आप इस ऑर्डर को रिवाइज करो। कमिश्नर सबसे पहली बात क्या देखेगा, कमिश्नर एडमिन बेटा सबसे पहली बात देखेगा कि क्या अपील का टाइम, अपील डालने का समय खत्म हो चुका है। कमिश्नर ने देखा नहीं, अमित के तो अपील डालने के दिन अभी पेंडिंग है, तो कमिश्नर पता है क्या कहेगा, कमिश्नर बेटा अमित को कहेगा भाई साहब 5 दिन के बाद आना, जब आपका अपील डालने का समय सीमा खत्म हो जाए। हाँ जी बेटा, कमिश्नर बेटा क्या कहेगा सुनो ध्यान से, कमिश्नर ये कहेगा किसको, अमित को, भाई साहब अभी 5 दिन पड़े हैं अपील डालने के, एक बार अपील डालने के जो 5 दिन जो बाकी पड़े हैं उसको खत्म हो जाने दो, 30 दिन का समय एक बार कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद मेरे पास आना, तब मैं रिवीजन करूंगा, या मुझे अभी लिख के दो, या मुझे अभी लिख के दो कि मैं रिवीजन के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मैं अपील नहीं डालूंगा। हाँ जी बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो अमित रिवीजन के लिए चला गया, कमिश्नर ने उसकी फाइल रख ली, चलो ठीक है भाई रिवाइज कर दूंगा, और अभी 5 दिन बेटा पड़े हैं अपील डालने के, और उन 5 दिनों में अमित ने क्या किया, अपील भी डाल दी साथ की साथ, यानी कि उसने दोनों राइट इस्तेमाल कर लिए बेटा, एक तरफ तो उसने रिवीजन का राइट इस्तेमाल कर लिया और दूसरी तरफ उसने अपील भी डाल दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो होगा क्या बेटा सुनो ध्यान से, या तो वो 30 दिन की अवधि जिस पीरियड में वो अपील डाल सकता वो खत्म हो जानी चाहिए, अगर वो अवधि खत्म नहीं हुई, उससे पहले वो अपील डालना चाहता है अमित सॉरी रिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो रिवीजन के अप्लाई करने के लिए जब वो कमिश्नर के पास जाएगा तो कमिश्नर को उसे इस बात से आश्वस्त करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं अपील नहीं डालूंगा, कमिश्नर को ये बताएगा कि मैं अपील नहीं डालूंगा, मैं अपने अपील का राइट क्विट करके आया हूं, और या फिर उसको प्रूफ देना पड़ेगा रिटर्न में कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो प्लीज मुझे अपने ऑर्डर को रिवाइज करवाना। बताओ जी क्लियर है यहां तक, फिर बेटा मैं आगे चलूंगा, बताओ यहां तक बेटा बताओ, चलो अब सुनो आगे। हाँ जी बेटा आगे चलते हैं, यहां तक बेटा हो गया, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, अब सुनो सेक्शन 264 में, सेक्शन 264 में रिवीजन के लिए कौन अप्लाई करता है। हाँ जी बेटा, अप्लाइड एप्लीकेशन कौन देता है, एप्लीकेशन गिवन बाय असेसी, असेसी बेटा देखो, क्योंकि ग्रेवेंसेस या कंप्लेंट्स बेटा किसको है, असेसी को, सबसे पहली बात तो एप्लीकेशन बेटा असेसी देगा। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या असेसी के द्वारा एप्लीकेशन दिए जाने पे रिवीजन होता है, या सीओ मोटो भी हो सकता है। हाँ जी बेटा सुनो, सीओ मोटो इसमें हो सकता है या नहीं,
क्या कमिश्नर अपनी मर्जी से ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है या नहीं? हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से, इस केस में भी बेटा कमिश्नर स्यूमोटो अपनी मर्जी से भी बेटा रिवाइज कर सकता है। कमिश्नर हो सकता है ये सोच ले भाई मेरे डिपार्टमेंट में किसी भी करदाता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अमित को जो ऑर्डर सुनाया गया अमित को उससे कंप्लेंट है, अमित को अपनी कंप्लेंट्स को दूर करना है बेटा। अमित को अपनी कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए किसके लिए अप्लाई कर रहा है? रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए वो कमिश्नर के पास रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकता है, या हो सकता है बेटा कमिश्नर अपनी मर्जी से अमित के वो दिए गए ऑर्डर को रिवाइज करना चाहता हो। इसमें बेटा दोनों ऑप्शन है, कमिश्नर अपनी मर्जी से भी रिवाइज कर सकता है उस ऑर्डर को, और अमित के द्वारा एप्लीकेशन डाले जाने पर भी रिवाइज कर सकता है। हालांकि ये वाला जो इस केस में जो सेकंड केस है प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो किसी दूसरे का भला चाहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा ये जो सेकंड केस है स्यूमोटो ये बड़ा रेयरली मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा नुकसान किसको हो रहा है ऑर्डर से? असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर सुनाया उससे नुकसान किसको हो रहा है? अमित को। तो कमिश्नर जनरली अमित के ऑर्डर को खुद रिवाइज नहीं करेगा अपनी मर्जी से, अमित एप्लीकेशन डालेगा तभी रिवाइज करेगा। बट मान लेते हैं कमिश्नर अच्छा आदमी है, वो चाहता है कि मेरे किसी क्लाइंट मेरे किसी करदाता के साथ जो है असेसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से भी उसको रिवाइज कर दे। क्लियर है यहां तक? हाँ जी बेटा यहां तक क्लियर है बेटा। चलो जी अच्छा अब सुनो जी, अब बेटा ध्यान से सुनना, अब टाइम लिमिट क्या है रिवीजन करने की? बेटा टाइम लिमिट ध्यान से सुन लेना, टाइम लिमिट फॉर रिवीजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। टाइम लिमिट बेटा रिवीजन के लिए क्या रहेगा? इसमें बेटा दो केसेस हैं, पहला मैं ले रहा हूं अगर अपनी मर्जी से, अगर कमिश्नर ने अपनी मर्जी से ऑर्डर को रिवाइज करना, अमित ने कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली, अमित ने बेटा कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली, अमित के बिना रिक्वेस्ट डाले कमिश्नर उस ऑर्डर को रिवाइज करना चाहता है, तो उस केस में बेटा टाइम लिमिट क्या है? विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर बाय असेसिंग ऑफिसर। हाँ जी बेटा विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर बाय असेसिंग। मान लो बेटा इधर देखो, मान लो 15 जुलाई 18 को कोई ऑर्डर पास किया असेसिंग ऑफिसर ने, तो उस डेट से एक साल, हाँ जी बेटा 14/7/19 बेटा ये एक साल बनेगा, इस एक साल के अंदर अंदर कमिश्नर को अपना रिवाइज ऑर्डर सुनाना होगा, कमिश्नर को अपना रिवाइज ऑर्डर इस एक साल में देना होगा। तो विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर बाय असेसिंग ऑफिसर, ये कब एप्लीकेबल होगा? हाँ जी बेटा जब वो अपनी मर्जी से रिवाइज करना चाहता हो। अब मान लो बेटा वो अपनी मर्जी से रिवाइज नहीं करना चाहता, सुनना ध्यान से, मान लो कमिश्नर अपनी मर्जी से रिवाइज नहीं करना चाहता, वो कहता है मैं रिवाइज तभी करूंगा जब असेसी मेरे पास एप्लीकेशन डालेगा। हाँ जी बेटा अब ध्यान से सुनो, अब मैं ले रहा हूं ऑन एप्लीकेशन, पहले था स्यूमोटो, अब मैं ले रहा हूं ऑन एप्लीकेशन मेड बाय असेसी, असेसी ने बेटा एप्लीकेशन डाली है, असेसी कहता है असेसी को बेटा कंप्लेंट्स हैं, असेसी को ग्रीवेंसीज हैं, और वो उन ग्रीवेंसीज के लिए कमिश्नर के पास अप्लाई करना चाहता है रिवीजन के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है, अराइज होता है कि असेसी कितने टाइम में रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना इस बात को, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, मान लेते हैं 15 जुलाई 18 को ऑर्डर पास किया, ये बेटा क्या है डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर। बस बेटा 5-7 मिनट की क्लास हो रहा है ध्यान से सुन, डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर, ये बेटा डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर बाय असेसिंग ऑफिसर है, 15 तारीख को ऑर्डर पास हुआ,
18 जुलाई को रिसीव हुआ, 18 जुलाई को ऑर्डर रिसीव हुआ किसको, अमित को, एसएससी को, एसएससी रिसीव द ऑर्डर, एसएससी को जब ऑर्डर रिसीव हुआ है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, एसएससी को जिस डेट को ऑर्डर रिसीव हुआ, हाँ जी बेटा, कितने टाइम के अंदर अप्लाई कर सकता है वो, एक साल के अंदर, वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर, वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर, यानी कि 17, हाँ जी बेटा 17/7/19, एक साल बेटा, इस डेट से एक साल काउंट कर लो, ये बेटा वन ईयर बन गया, ये वन ईयर बेटा किसके लिए है, अमित के लिए, अमित इस पीरियड में अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन के लिए है, एप्लीकेशन बाय एसएससी। अब ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन कौन सी डेट से डाली जा सकती है, रिसीविंग ऑर्डर, जबकि, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन कौन सी डेट से डाली जा सकती है, रिसीविंग ऑर्डर, ना किस डेट से, 15 जुलाई से नहीं, 18 जुलाई से, एक साल, ठीक है। अमित बेटा 17/7/19 तक अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई करने के लिए बेटा 500 रुपए फीस है, 500 रुपए फीस भी देनी पड़ेगी अमित को। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब मैं ले रहा हूं, अप्लाई तो कर दिया अमित ने, अप्लाई मान लेते हैं, मान लेते हैं बेटा अमित ने अप्लाई किया इस डेट को, लास्ट डेट को अप्लाई किया, इस एक साल में बेटा वो कभी भी अप्लाई कर सकता है वैसे तो, बट मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम कर लूं, हाँ जी बेटा ये डेट एज्यूम कर लूं, मान लेते हैं अमित ने लास्ट डेट को अप्लाई किया, एज्यूम दैट एसएससी अप्लाइड फॉर रिवीजन ऑन द लास्ट डेट, जिस भी डेट को बेटा अप्लाई करेगा इस पीरियड के अंदर, सबसे पहले वो डेट देख लेना कौन से प्रीवियस ईयर में आती है, हाँ जी बेटा ये बताओ ये 17/7/19 कौन से ईयर में आएगी, 17/7/19 डेट बेटा कौन से ईयर में आएगी, जरा लिख के बताओ 17/7/19 बेटा कौन से ईयर में आएगी, 19/20 में, हाँ जी वेरी गुड, 19/20, 19/20 का आखिरी दिन बेटा क्या होगा, 19/20 का आखिरी दिन, 19/20 का लास्ट डे होता है 31/20, इसके एक साल के अंदर बेटा, इसके एक साल के अंदर, यानी कि 31/3/21 तक रिविजनल ऑर्डर देना पड़ेगा, रिविजनल ऑर्डर किसको सुनाना पड़ेगा, बाय द कमिश्नर एडमिन, हाँ जी बेटा दोबारा से सुनो, अप्लाई करने की डेट पहले देखो, एसएससी अमित कितने टाइम में अप्लाई कर सकता है, जिस डेट को उसको ऑर्डर रिसीव हुआ उसके एक साल के अंदर अप्लाई कर सकता है, 500 रुपए फीस भी लगेगी, मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो उसने लास्ट डेट को अप्लाई किया, लास्ट डेट को अप्लाई किया तो पहले जिस भी डेट को अप्लाई कर दिया वो ईयर चेक कर लो कौन से ईयर में आती है, या तो बेटा वो 18/19 बनेगा या 19/20 बनेगा, 19/20 बन गया, यहाँ पे 17/7/19 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बेटा 19/20 बन गया, ठीक है 19/20 के हिसाब से उसका लास्ट डे निकाल लो, 19/20 का लास्ट डेट 31/3/20 उसके एक साल के अंदर अंदर, विद इन वन ईयर रिविजनल ऑर्डर देना पड़ेगा, तो दोनों में बेटा फर्क है। उधर देखो मैंने स्यू मोटो में क्या लिखवाया था, स्यू मोटो में विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर, इसमें बेटा डेट ऑफ ध्यान रखना, डेट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर नहीं है, डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर, इसमें ये जो डेट मैंने लिखी थी ऑर्डर पास करने की डेट है, ना कि रिसीव करने की, हाँ जी बेटा बताओ क्लियर है यहां तक बताओ, हाँ जी बेटा बस 2-4 मिनट क्लास और लेंगे, बताओ यहां तक बेटा बताओ, चलो जी वेरी गुड, हाँ जी बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी ऑर्डर बेटा इसमें सुनाया जाएगा, हाँ जी बेटा जो भी ऑर्डर बेटा कमिश्नर सुनाएगा, ऑर्डर रिविजनल ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ऑर्डर बेटा कौन सा रिविजनल ऑर्डर, जो किसने सुनाया है, पास्ड बाय कमिश्नर। अब क्वेश्चन राइज ये होता है
कि जो रिविजनल ऑर्डर कमिश्नर ने दिया क्या वो ऑर्डर अमित के अगेंस्ट भी हो सकता है, अमित के फेवर में होगा या अगेंस्ट में। तो याद रखना ऑलवेज इन फेवर, ऑलवेज इन फेवर ऑफ असेसी, कभी भी बेटा उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसका नाम भी यही है, असेसमेंट इन फेवर ऑफ असेसी, कभी भी बेटा अगेंस्ट नहीं हो सकता। अमित ने रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरी हेल्प करो कमिश्नर के पास। जब बेटा हम किसी के पास रिक्वेस्ट डालते हैं हेल्प करने के लिए, तो या तो वो हेल्प करने से मना कर देगा, या हेल्प करेगा तो फेवर में करेगा, अगेंस्ट में नहीं होगी, ये ध्यान रखना। सेक्शन 264 का रिवीजन कभी भी असेसी के अगेंस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ऑलवेज इन फेवर ऑफ असेसी। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या, हाँ जी बेटा मुझे आप बताओ, चलो क्या सेक्शन 264 के, सेक्शन 264 के ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी को अपील डालने का राइट है? अपील, क्या उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील डाल सकता है? हाँ जी बेटा, नो राइट ऑफ फाइलिंग अपील। अंडर सेक्शन 264 इस केस में बेटा कोई, हाँ जी बेटा, इस केस में उसको अपील डालने का राइट नहीं होगा, क्योंकि वो बेटा, हाँ जी, कमिश्नर के पास आया इसी बेस पे था। कमिश्नर के पास किस बेस पे आया था? कमिश्नर के पास जब वो आया था, तो कमिश्नर अपील का, वो अपना जो अपील का जो राइट है उसको क्विट करके आया था, अपील का राइट क्विट करके आया था। 30 दिन का समय जा चुका था, तभी तो वो रिवीजन के लिए आया। अब असेसी अमित ने ये सोचा, चलो मेरा अपील डालने का समय सीमा तो जा चुकी है, या मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो अमित ने सोचा क्यों ना मैं कमिश्नर के पास चला जाऊं, रिवीजन के लिए अप्लाई कर दूं। अमित ये सोच के गया, या तो कुछ नहीं करेगा कमिश्नर, या करेगा तो मेरे फेवर में करेगा। अमित ये सोच के कमिश्नर के पास गया, 2 मिनट, हाँ जी बेटा बुला लो सर, हाँ जी बेटा। तो मेरे को एक बात बताओ, अमित जो है वो कमिश्नर के पास जो रिवीजन के लिए गया था, वो ये सोच के गया था या तो कमिश्नर उस केस का कुछ करेगा, हाँ जी बेटा, या तो कुछ नहीं करेगा। अगर हम किसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं, या तो वो हेल्प करने से मना करेगा, या हेल्प करेगा तो, हाँ जी बेटा, वो हमारे फेवर में ही करेगा, ऐसा तो है नहीं हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नो राइट ऑफ फाइलिंग अपील। सेक्शन 264 में जो रिवीजन के लिए अप्लाई किया, उसके अगेंस्ट बेटा वो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपना जो मैंने बताया दोनों राइट क्या थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे बेटा उसके पास दो राइट थे अमित के पास, एक तो राइट टू अपील था, और दूसरा राइट क्या था, राइट टू रिवीजन। अपील का राइट क्विट करके ही तो उसने रिवीजन के लिए अप्लाई किया, बात समझ में आ रही है? हाँ जी बेटा बताओ, हाँ जी बेटा, ये हमारा बेटा सेक्शन 263 भी कंप्लीट हो गया। सेक्शन 264 इसको बेटा बुक में आज जरूर रीड कर लेना, एक बार बुक में रीड कर लोगे, हाँ इसके जो नोट्स वोट्स हैं वो अपने आप बना लेना। ये मैं लेक्चर आपके पास सेंड कर दूंगा बेटा थोड़ी देर में, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है।